गर्मियों का सीजन मतलब कि आम का सीजन और ढेर सारे आम का सीजन। तो गर्मी आते ही नई नई रेसिपियां सामने आती हैं, कभी कोई कुछ बना रहा है, कभी कोई कुछ बना रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली रेसिपी है वो है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक हम आम की जब बाहर से लाते हैं तो 100 रुपये से कम की बोतल आती ही नहीं है, तो एक ही आम से हम ढेर सारी माजा स्लाइस घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी लिया है जिसमें मैंने 10 ग्राम चीनी ऐड कर दी है। एक कटोरी चीनी है और ग्राम से ये 10 ग्राम होगी। तो ये मैंने कच्चा आम लिया है जिसका मैंने पल्प निकाल लिया है कच्चे आम का। और मेरे पास ये थोड़ा लूज हो गया था तो इस वजह से ये थोड़ा पीला दिख रहा है, बट ये कच्चा आम है। और ये है एक बड़ा पका आम जिसका मैंने गूदा निकाल लिया है। और इन दोनों को मैं इस शुगर वाले पानी में ऐड कर दूंगी और बस एक ही उबाल आने तक हमें ये पकाना है। सिर्फ हमें इतना पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें एक उबाल आ जाए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और उबाल भी आ चुका है। तो बस हमें ये एक बार ऐसे ही चला देना है चम्मच से और गैस की फ्लेम को हमें कर देना है ऑफ। तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देती हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये एकदम से ठंडा हो गया है और मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखा था और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये मिक्सी जार लिया है मैं, इसमें सारा ये पल्प जो है इसी में डाल दूंगी और बस हमें ये इसमें और कुछ नहीं डालना है, इसे बस ग्राइंड कर देना है। और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैसा टेक्सचर है और कैसा कलर आता है। तो देख रहे हो फ्रेंड कैसा कलर आया है, इसमें एकदम से नेचुरल कलर है, इसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया है और कुछ भी नहीं मिलाया है इसमें। सिर्फ वो जो हमने कच्चा आम और पका आम पकाया था चीनी के साथ वही है पानी में और हमने बस इसे ग्राइंड कर लिया है। लेकिन हमारी प्रक्रिया यहीं ख़त्म नहीं होती है, हमें अभी इसका आगे का प्रोसेस और करना है। तो हमें ये छान लेना है क्योंकि हमें ये मार्केट जैसी माजा स्लाइस बनानी है, तो इस वजह से हमें ये छान लेनी है। अगर हमें ये छान करके नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ये मार्केट जैसी बनानी है इसलिए हमें इसे छानना है। तो इसमें थोड़ा बहुत गूदा रह जाता है, तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा गूदा निकला है, बट हमें अगर ये ऐसे ही पीते हैं तो इसके छोटे छोटे कण जो मुंह में आते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट हमें ये बनानी है मार्केट जैसी, तो हम क्या करेंगे इसे छान लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से सारी जो हमने ड्रिंक बनाई है उसे हम छान लेते हैं। तो मैंने ये सारी छान ली है और अब हम क्या करेंगे, इसे एक बॉटल में भरकर रखेंगे, जैसे कि माजा स्लाइस जो भी आती है उसी बॉटल में, अगर आपके पास हो तो उसमें भर सकते हो, नहीं तो आप इसे किसी दूसरे कंटेनर में भरकर भी रख सकते हो और इसे फ्रिज में लगा करके रख सकते हो। बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं आपको भर करके बताती हूँ। ये एक बोतल से भी ज़्यादा बनी है और आप देख सकते थे एक आम का गूदा था और एक सिर्फ कच्चा आम था और उससे मैंने इतनी सारी माजा स्लाइस बनाई है। तो ये मेरे पास एक बोतल है और ये कम से कम 1.5 लीटर की बोतल है, मैं इसी में भर करके रखूँगी इसे। तो फ्रेंड, मैं सारी जो माजा ड्रिंक है, जो मैंगो की ड्रिंक हमने बनाई है, मैं सारी की सारी इसमें डाल लेती हूँ और सबको इसी में भर लूँगी। तो देखते हैं हमारे पास कितनी सारी बचेगी इस बोतल के अलावा। तो मैं आपको सारी बोतल में भर करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, आप भी अगर मैंगो ड्रिंक के शौकीन हैं तो इस तरीके से मैंगो ड्रिंक बना करके घर में ज़रूर रखिएगा और जब मन करे तब पीजिएगा। फ्रिज में एक बार लगा कर स्टोर कर दीजिए, हमारा जब भी आपका मन करे तब आप इसे पी सकते हो और अपने रिश्तेदारों मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो। फ्रेंड, देख सकते हो एक बोतल भर चुकी है और वो हमने एक मैंगो से बनाई थी और आप देख सकते हो पूरी एक बोतल भर चुकी है। तो ये काफ़ी है एक मैंगो से तो, और वैसे अगर हम इसे मार्केट से लेने जाएंगे तो 70-80 रुपए की आती है ये बोतल हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ कितने की आती है पता नहीं, लेकिन इसका टेस्ट इतना टेस्टी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी थी। और आगे से मैं तो ऐसे ही बना करके रखूँगी अपने फ्रिज में
में और रिश्तेदारों के लिए भी ऐसी ही ड्रिंक बना करके सर्व करूँगी, ना कि बाजार से लाऊंगी। तो मेरे पास ये थोड़ी सी माजा मतलब थोड़ी सी ये ड्रिंक थोड़ी सी और बची है, तो देखते हैं ये कितनी है। तो मैं इसे इस ग्लास में सर्व करती हूँ अपने लिए। तो ये देखिए ये आधा ग्लास के बराबर है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, एक मैंगो में से हमने इतनी सारी माजा स्लाइस बना करके घर पर तैयार करी है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगले किसी अच्छी सी ड्रिंक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना।